ये आकाशवाणी है, दो फूल जूही के। आज प्रस्तुत है श्री हृदय कौल भारती के कश्मीरी नाटक गिलिटोरी का हिंदी अनुवाद। कश्मीरी नाटक गिलिटोरी को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1980 में असमिया नाटक मैना संवाद के साथ द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनिए नाटक दो फूल जूही के। खिलौना बी ओ वाई बॉय बॉय के माने लड़का बॉय के माने लड़का टॉय के माने खिलौना टॉय के माने अरे शीतक तो हमारी सहन के सामने ही रुका। बाप रे कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना बॉय के माने खिलौना बॉय के माने कितना बड़ा है ये ट्रक। कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक बिस्तर सोफा मेज और वो साइकिल। कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन 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 बचके जरा बचके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको देखाता हूँ। पर नहीं फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय तो क्या हुआ। मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बी ओ वाई बॉय बी ओ वाई बॉय बी ओ वाई बॉय बी ओ वाई बॉय टॉय के माने खिलौना बी ओ वाई बॉय। अरे धीरे धीरे उतारो भाई जरा सावधानी से इसमें क्राकरी है। अरे चिंता न करो साहब हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे। बी ओ वाई बॉय बॉय के माने लड़का लड़का। अरे क्या करते हो भाई जरा देखना छूट न जाए हाथ से। काहे को छूटेगा साहब रस्सी से जो बंधा है। बॉय के माने खिलौना टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रहे हैं। बी ओ वाई टॉय टॉय के माने लड़का टी ओ वाई बॉय बॉय के माने खिलौना। तू किस बात पे हंसती है रे। टी ओ वाई बॉय टी ओ वाई बॉय होता है क्या। नहीं पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। टी ओ वाई टॉय होता है टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम। फिर क्यों कह रहे थे। मैं साइकिल को देख रहा था। साइकिल कौन सी साइकिल। जो इस ट्रक में रखी है ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे। ये किसकी साइकिल है। पता नहीं। तुम्हें चलानी आती है। नहीं मेरे पास साइकिल ही नहीं। मुझे चलानी आती है। मुझे सिखाएगी। ये साइकिल मेरी ही है। मुझे इस पर बैठने देगी। तुम्हारा घर कहाँ है। वो सामने। तुम्हारा वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना। ये हमारा अपना घर नहीं है। तो पापा की बदली हुई है तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे। कब पता नहीं। मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी। ना पापा ना मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे। तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे है ना। तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। टी ओ वाई टॉय बी ओ वाई टॉय बी ओ वाई टॉय बी ओ वाई टॉय बी ओ वाई टॉय। देख रहा था। झूठ। और नहीं तो क्या। मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया। तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए। मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी।
आता कैसे? तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती हैं क्या? हाँ, तुम्हारी? मेरी मम्मी भी देखती हैं। मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती हैं। मेरी मम्मी तो फर 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 सारा कुछ पढ़ लेती हैं। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना? हाँ, मैं समझाता, तुम भूल ही गई होगी। पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ। वो क्या होता है? जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया। मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते। झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं। नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है। नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना। हाँ, मेरे भी। मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ। मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना? तुम सीख ही नहीं रहे हो तो चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो। अच्छा, हाँ अब बैठो सीट पर। उफ़ो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो। अच्छा, ले लिया। हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है? अच्छा अच्छा, छोड़ूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो, ऐसे ऐसे। तुम तो डरते हो, डरपोक कहीं के। नहीं तो मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी। वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी। अब धक्का दो ना। हैंडल ठीक से थामना। अच्छा, देखो मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है? हाँ, अब कहो ना गो। गो। गिरा। अरे, तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना? कहाँ हटाए? लगी तो नहीं? नहीं। अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है? अच्छा। देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा? हाँ, तुमने किससे सीखी? खुद ही सीखी। खुद ही? और नहीं तो क्या। झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई, मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है? पापा ने। नहीं तो फिर? तुम ही बताओ। मुझे क्या मालूम। मामा जी ने। पापा मम्मी ने चलाने दी। और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते। एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी। झूठ। झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी। फिर शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी। फिर क्या हुआ? फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे। चूहे? फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया, अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि ताकि चूहे ना ले जाए। तुम चूहे। जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह। फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा। मेरे पास भी ऐसी ही कार थी, उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी। झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं। मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया। तुमने उसे कुछ नहीं कहा? सहेली को क्या कहती? मैं होता तो झगड़ा करता,
पाई की तोड़ा मेरा बीओ वाई नहीं टीओ वाई बीओ वाई टीओ वाई बीओ वाई जानती हो हमारे यहाँ बुलबुल ने बच्चे दिए हैं है, कहाँ बाग में पेड़ पर चल दिखाता हूँ चल चल अगर हमारे भी पंख होते आहा तब हम भी उड़ते ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता ना साइकिल सीखनी पड़ती मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुँच जाता फिर नाना जी के पास फिर घर तब हम खिड़की से अंदर आते चिड़ियों की तरह मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है क्यों और नहीं तो क्या हम उसमें समा ही नहीं पाते मैडम सीट पर बैठती है हम खड़े रहते हैं पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं शाबाश आगे चलो और आगे से मैडम डांटती है पीछे चलो पीछे चलो परसों मुझे पीटी सर ने मारा क्यों उसे क्या हुआ हम बस में बैठे थे ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी मैडम सीट पर बैठी थी मैं गिर पड़ा मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया फिर स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा शर्ट पर दाग क्यों है बैड बॉय फिर मारा ना मैडम को कुछ कहा ना ड्राइवर से तुमने पीटी सर से कहा नहीं मैं क्या कहता वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं बस उसे ही देखकर हंसते अरे तुम यहाँ बैठी हो पता है क्या हुआ क्या वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे हाँ थे तो वो वहाँ है ही नहीं जाने कहाँ भाग गए वहाँ उनके मम्मी डैडी अब अकेले हैं उन्होंने शादी की होगी शादी तुम्हें कैसे पता अरे तुम्हें नहीं मालूम शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं अलग अलग क्या ओफो अलग भी नहीं मालूम नहीं मालूम BOY टॉय अलग होता है दूसरे घर में रहना अलग से खाना पकाना और बस तुम्हें कैसे पता बस है पता मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया फिर अलग घर में रहने लगे मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा एक बार भी झगड़ा नहीं किया झूठ कहती हूँ मैं मम्मी ने बहुत झगड़ा किया गालियाँ दी बहुत गालियाँ फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी आंटी बेचारी रो रही थी मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी हंसते किस बात पर हो तुम्हें इतना भी नहीं मालूम अलग लड़कियां नहीं होती लड़के हो जाते हैं अंकल क्या कोई लड़की थे लड़कियां क्यों नहीं अलग होती पता नहीं डरती होंगी शायद नहीं नहीं शर्माती होंगी मम्मी भी कहती है ना लड़कियों को शर्माना चाहिए तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी और तुम ना नहीं मुझे तो डर लगता है अकेले में डरपोक डरपोक शर्मीली नहीं नहीं तुम तो डरपोक तब तुमने झूठ बोला होगा मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता चल चल मैं कभी झूठ नहीं बोलता जानती भी हो झूठ बोलना पाप है तब तो तुम्हें पाप लग गया कल तुमने झूठ बोला ना कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है देर से लौटूंगा कहा था तो क्या हुआ नहीं गया पाप लगा कि नहीं क्यों मम्मी डैडी तो गए तुम क्यों नहीं गए मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता झूठ कह रहा हूँ उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं पहले मम्मी ने डांटा फिर डैडी ने चॉकलेट लाके दी कहा हम अभी लौटेंगे
झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर। वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है, बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना। मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ, उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती हैं। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती हैं, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम, सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा। मैं भी। तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी। हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे टैक्सी में। हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे। हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूंगा जैसे डैडी पीते हैं। जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूंगी। क्यों, और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है। अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूंगा ऐसे। फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा। खेलेंगे हमारे बाग में, वहाँ कोई नहीं है ना। तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे। नहीं तो, मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं। मम्मी ने कुछ नहीं कहा। जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती। तो चलो फिर। चलो चलो। देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है। मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है, ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह। अगर ये सचमुच की कार ही होती तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते। जब मैं देता तभी ना, हम खुद इसमें घूमने जाते। आहा, कार मैं चलाती। अरे, लड़कियां भी कभी कार चलाती है क्या। क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है। तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं। पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए। चल पौधों को सींचेंगे। वो क्या होता है। सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है। तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है। सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी। मुझे आएगा क्या पानी पिलाना। क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो बाहर चलो, आओ। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है। इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी। तुम्हें कैसे मालूम। और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या। अरे, ये बुलबुल तो मर गई। कहाँ। यहाँ तो आओ। अरे, ये तो वही बुलबुल है। हाँ, वही जिससे वो अलग हो गए थे, अलग मकान में। अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा। अब क्या करें इसका। मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कहीं की। सच, मुझे मालूम है, जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी। झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मूठी उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था, फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया। मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफ़ेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने। चल हम भी इसे सफ़ेद कपड़े में लपेटेंगे। कहाँ से लाएंगे कपड़ा। हाँ, वो लाएंगे कहाँ से। तुम ठहरो, मैं अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो। बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा। रुमाल। हाँ, डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था। डैडी मारेंगे। वो कुछ नहीं कहेंगे। झूठ। कहाँ ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है
उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? वो बहुत देर से लौटते हैं ना। अच्छा लपेटो फिर। ना तुम लपेटो। क्यों, तुम क्यों नहीं लपेटोगे? मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है। नहीं मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से। अच्छा ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ। लो। मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका। मुझे भी। अरे आज तुम मुझसे पहले ही आ गई। मैं आज स्कूल गई ही नहीं। तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाफी से छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं। खाक मजे होते हैं, मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना। क्यों? वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं। हाँ ये तो है। कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया। तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था। आग लगा दूंगी उस साइकिल को, मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्यों? वो साइकिल मामा जी लाए हैं ना। उससे क्या होता है? मामा जी की शादी है। तब तो वो भी अलग हो जाएंगे। पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए। क्यों? अफो तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। बस पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था। फिर? बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया, मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें? मुझे भी नहीं। मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं, मैं नहीं डरती वरती पापा से। झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे। तुम डैडी से डरते हो? मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना। चल आज पौधों को फिर सींचेंगे। नहीं। क्यों? क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो, खिलौनों से खेलेंगे। मुझे ये बारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें? मुझे नहीं लगती। क्यों? मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी। झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे, रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखें। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती? कहती तो है, फिर? अरे देखो बैलगाड़ी। कहाँ? वो नहीं देखते उस मोड़ के पास? अरे हाँ इधर ही आ रही है। तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है? नहीं। तुमने? मैंने भी नहीं देखा। एक बात कहूँ? क्या? ये लड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे? अरे हाँ। अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारे ट्रक में भरा था। वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना। क्या? पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है। सच? और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे। कब? पता नहीं। अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती मैं भी कहीं दूर चला जाता। कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ। क्यों? मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती हैं,
आया ना कांच कपड़ों का सत्यानाश करके। मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है। झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ? जानते हो हम जा रहे हैं। कहाँ? वापस अपने घर। कब? अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं। तुम भी जाओगी? और नहीं तो क्या। जाने दो उन्हें, तुम यहीं रहो, वो झगड़ा करते हैं ना। लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं? तुम अलग हो जाओ। कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती। हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती। तू किसके साथ खेला करेगा? पता नहीं। और तू? किसके साथ खेलूं? अपने साथ। एक बात बोलूं? क्या? हम शादी करेंगे। क्या? शादी करेंगे। क्यों? हम छोटे हैं ना। है तो क्या हुआ? हमारी शादी करेगा कौन? हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यही रहेंगे। मम्मी डैडी के बगैर ही? हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुड्ढी बुलबुल जो मर गई, मम्मी उनकी। आ गई टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ। जाओगी तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना? ये तुम रखो। कुछ कहेंगे तो नहीं? क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता। मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, खूब खेलना, ऐसे ऐसे ऐसे। दो फूल जूही के। अभी आपने श्री हृदय कौल भारती के कश्मीरी नाटक गिलिटूरी का ये हिंदी अनुवाद सुना। कश्मीरी नाटक गिलिटूरी को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1980 में असमिया नाटक मैना संवाद के साथ द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ, प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे कुमारी सुषमा कौशिक, कुमारी रचना गुप्ता, श्री सोमनाथ नागर और श्री आनंद स्वरूप गुप्ता। वादक कलाकार थे श्री पवन नायडू, श्री मुख्तार अहमद और श्री राकेश कुमार। ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया था और इसका प्रथम प्रसारण 25 जून 1981 को हुआ था।